हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हमें क्या बोला है कि हमें जो एपी दे रखी है हमें इसे क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एपी क्या दे रखी है, 2, 7, 12 ये हमारी एपी है। और हमें बोला है 2 10 टर्म्स, यानी कि इसकी 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। Sn, हमारा सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये होता है हमारा सम फाइंड करने का फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज पुट करके अपनी आंसर निकाल सकते हैं। तो Sn हमें सम फाइंड करना है, तो हमारे जो लास्ट टर्म हमें दिए कहाँ तक फाइंड करना है, 10 टर्म्स तक। तो n की जगह पे हम लिखेंगे 10, तो यहाँ आ जाएगा S, n है यहाँ पे, तो 10 टर्म तक फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे S10 इज इक्वल टू n की जगह पे अब हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू, एक मिनट, n इज इक्वल टू, अब हमें क्या रखना है, n को 10 के बराबर रखना है। तो जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पे n था तो 10 लिख लिया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 10 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2a। तो 2 और a क्या है, देखो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है ये मार्किंग कर लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है 2, 7, 12। तो फर्स्ट टर्म हो गई a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 और सो ऑन। अब हमें क्या करना है, 2a, a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस n, n की जगह पर हमें क्या रखना था 10 माइनस 1 और d क्या होता है, a2 माइनस a1, यहाँ a2 है 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो d आ गया हमारा 5। तो S10 इज इक्वल टू 10/2, 2 इंटू 2 क्या होगा, यहाँ देखो 2 कैंसिल हो रहा है, पहले तो यहाँ इसे कैंसिल कर लेना है, 2 1 2, 2 5 10। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 9, और 9 इंटू 5 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो S10 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 5 45, यहाँ लिख लेंगे 45, और S10 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 45 क्या हो जाएगा 49, तो 49 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 49, तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारा आंसर आता है S10 इज इक्वल टू 245, यानी कि जो हमारी एपी है जो हमें गिवन है इसकी 10 टर्म का सम, यानी कि 10 टर्म्स को जब हम प्लस करेंगे तो उसका सम आएगा 245। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, -37, -33, -29 -212 टर्म्स। तो ये हमारी एपी है, हमें इसका सम कहाँ तक निकालना है, कितने नंबर तक, 12 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो अपना सम का फॉर्मूला लिख लेंगे, वो होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये हमारा सम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे -37 कौन सी टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगी a1, सेकंड टर्म है -33, ये हो जाएगी a2, थर्ड टर्म है -29, ये हो जाएगी A3, हमने मार्किंग भी कर ली है। अब हमें कहाँ तक बतानी है, 12 टर्म्स तक, तो हमारा n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12, तो जहाँ जहाँ पे भी n लिखा है वहाँ पे हम 12 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो Sn, तो S12 इज इक्वल टू n बाय 2, n की वैल्यू है 12, तो 12/2, 2a, a की वैल्यू क्या है -37, तो यहाँ लिखेंगे -37 प्लस n माइनस 1, तो n है 12, 12 माइनस 1, और d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1, तो a2 देखो हमारा क्या है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है हमारा, d इज इक्वल टू a2 है -33, माइनस करना है हमें क्या, माइनस, और यहाँ पे a1 दिया हमें क्या, माइनस का 37। अब देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो d इज इक्वल टू -33, यहाँ लिखेंगे d इज इक्वल टू -33, माइनस माइनस प्लस का 37, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो d की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33, ये हो जाएगा प्लस का 4। प्लस का इसलिए आया क्योंकि 37 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू क्या आ गई,
4, तो एस 12 इज इक्वल टू 12 बाय 2, 2 इंटू माइनस 37 करेंगे, हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 74, यहाँ लिख लेंगे माइनस का 74, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और प्लस का साइन 12 माइनस 1 11, और 11 इंटू 4 हमें करना है, तो यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 ये कैंसिल हो गया, अब एस 12 बचा हमारा, एस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 74, 11 इंटू 4 करेंगे क्या आंसर आएगा 44, तो प्लस का 44, तो एस 12 इज इक्वल टू 6, 74 माइनस का है प्लस का 44, और प्लस माइनस माइनस होगा जो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 74 बड़ा नंबर है, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो इसलिए माइनस का 30 यहाँ पे आ गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन आएगा मल्टीप्लाई का, तो एस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 इंटू माइनस 30, एस 12 इज इक्वल टू माइनस का 180, तो यानी कि इस ये जो हमें सेकेंड टर्म में एपी दिया है इसकी 12 टर्म्स का सम क्या होगा माइनस 180। इसी के साथ हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।